चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ hey, आज फिर से खेलने जा रहे हैं आज की गेम में काफ़ी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज अंकल की गाड़ की वॉट लगाने वाले हैं अंकल का क्योंकि काफी ज्यादा अंकल जो है सो जानवरों पे अत्याचार करते तो बस आज अंकल की ये बात यहीं ख़त्म कर देनी है तो बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे और बिना कुछ किए गेम की वीडियो को पूरा का पूरा देखना बस अब ये देखना है कि अभी अपने आप को क्या करना है क्योंकि आज हमारी आवाज़ को काफ़ी ज़्यादा लचीला बना चुका है कभी कभी मेरे मुंह से आवाज़ निकल नहीं पा रहा है क्योंकि मैं भी कुछ ज़्यादा ही घबरा गया हूँ क्योंकि गन वाली बात है भाई सब ऐसे ही बर्बादी में मैं मिल चुका हूँ क्योंकि वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे हूँ बट ऐसा इस बार हो या ना हो वीडियो में व्यूज़ आ जाना है बट अपना काम जो है उसे पूरा करना है सबसे पहले अपने आप को यहाँ पे समझ में आया कि स्लाइडर ऊपर से यहाँ से चलना चाहिए तो ये ज़्यादा सही रहेगा बट यहाँ पे ऐसा एक भी डोर या विंडो नहीं दिख रहा है जिससे मैं खोल के मैं अंदर जा सकूँ खोलने का मेरा कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस है लंबा चौड़ा तो यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर मिल गया जिससे मैं शायद से इस ताला को खोल सकूँ बट ऐसा इसके साथ मुझे लंबा एक्सपीरियंस नहीं है बट ऐसा शायद हो जाए कि ये खुल जाए तो अपना काम बन सकता है बट ये खुल चुका है इसको लंबा छलांग दे के खोलना पड़ेगा भाई साहब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी वाला सीन है बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कूदने का कोई फायदा नहीं हुआ पैड में

मैं फँस जाता हूँ हर बार बट यहाँ पे कोड डालना मुझे पता था शायद ना नाइन ना, फोर थ्री सेवन ना बट ये काफ़ी कूल की है नाइन फोर थ्री सेवन भाई ठीक है यार मैं मेरे को अभी तक याद था ये बट ये जीन के जैसा जो है ना सबसे पहले इसमें क्या है ये डाल दूँ बट इसमें पानी है गंदा सा और यहाँ पर कुछ गोली है जो गोली मैं इसमें डाल दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा बट ये मैं ठीक है और ये ये भी मैं डाल देता हूँ इसी में बट अंकल हमारे आसपास ही कहीं ना कहीं मंडरा रहे हैं बट इसे मैं बंद कर दूँ ताकि अंकल जो है कन्फ्यूज़न में ना आए बट भाई साहब अभी कोई है नहीं यहाँ से निकलना ज़्यादा सही रहेगा काफ़ी ये घर था जिसमें अंकल शेरों को दराया करते बट यार अंकल पीछे से पकड़ लिया अपने को ये अंकल अपने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा गलत किया बट अगले चांस में इस चीज़ को पूरा कर लेना है बट भाई साहब यहाँ से निकल सबसे पहले तेज़ी से निकल ले अगर अंकल इससे ज़्यादा देर देख लिए यहाँ पर रुके तो फिर अंकल पकड़ लेंगे और अपना मिशन फेल हो सकता है बट भैया निकलना मुश्किल है नामुमकिन सा नहीं है क्योंकि एक ऐसा गेट ढूंढना है जिससे मैं बाहर निकल सकूं बट ये बेडरूम में जाके क्या होगा भाई और ये फिर लाइब्रेरी में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं निकलूँ कहाँ से और एक भी दरवाज़ा और विंडो खुला ही नहीं है खोलने का ज़्यादा एक्सपीरियंस है बट अभी नहीं है ना भाई समझ नहीं आ रहा किचन में मैं छुप सकता हूँ क्या थोड़ा देर बट ऐसा कर सकता हूँ बस बट ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है बट अपने को स्क्रू ड्राइवर की एक ज़रूरत है जिससे मैं कॉक बट यार मेरा अभी काम पूरा नहीं हुआ और ये अंकल शुरू हो गए बट अंकल आप ऐसे चल रहे हो काफ़ी कूल लग रहे हो मुझे पसंद ठीक है बाबा मैं चुप हो जाता हूँ बट आप जो काम कर रहे हो ना ये गलत कर रहे हो चिड़िया को मार रहे हो चिड़िया आपकी गांड के ऐसे तोत मार देगी फिर आपकी गांड फट सकती है बट यार अंकल इस चिड़िया को सक्सेसफुली मार दिया और मैं फेल हो चुका बट इस बार नहीं होगा ऐसा अपना काम जो भी है ना एक बार में ख़त्म करना है क्योंकि वहाँ से आने के बाद अंकल को मौका मिल जाता जाने का इसलिए सबसे पहले नीचे से कॉक उठा के चलना है कॉक ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है कि कॉक मिलेगा कहाँ पर बट किचन में शायद से मिल सकता है क्योंकि कॉक वो कॉक नहीं है वो कॉक है जो दारू के बोतल में लगते हैं सैंपिन वगैरह में लगते हैं क्योंकि अंकल थोड़ा सा नसीले आदमी है तो ये मिल सकता है बट भाई साहब ये हर बार ये गेट जितना सारा लॉक्ड रहा था एक दो बार तो खोल दे भाई क्या परेशानी है मुझसे तेरी कि तेरी मेरी अबे भाई ये मैं इस बार कूदा अच्छा से बट अपने पीछे लग चुके हैं अंकल तो इसलिए मैंने लंबा छलांग मार दिया पहले ही बट ये लाइब्रेरी में नहीं होगा बेडरूम में नहीं होगा भाई किचन में चलना है सॉरी ये डाइनिंग रूम था बट मैं क्या से मैं क्या पढ़ लेता हूँ बट अभी सबने अपने को ये पता था कि ये कहाँ पे होगा बट अब अपने को सैम्पियन ढूंढना यानी कि दारू की बोतल भरे वाली बट यहाँ दोनों खाली है फ्रीज चेक करूँ तो फ्रीज खाली बट ऊपर वाला चेक कर लूँ मैं क्या ऊपर वाला में भाई साहब तो कुछ है ही नहीं ये अपने काम का नहीं है यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ रखा बट कुछ समझ नहीं आ रहा कि मिलेगा कहाँ पे बट ये रहा दारू की बोतल बट अभी इसे ढूंढना नहीं है खोलना है क्योंकि खोलने का एक्सपीरियंस पूरा पुराना है अपना बीस साल के तजुर्बा में ऐसा कभी ढक्का नहीं खोला था बट अब अपने को यहाँ से निकलना चाहिए अपना शॉर्टकट रोड है ना यानी रास्ता अब क्या से क्या समझते हो भाई ये अपने को पता नहीं है सबसे पहले अपने को फिर से वही रूम बट लेफ्ट साइड है बट अंकल पीछे पड़ गए हैं बट एनर्जी भी ख़त्म है अपना एक बार एनर्जी आ गया फिर से काम में मन लगा के करना है बट नीचे थोड़ा देर अंकल को भाई अंकल यहीं पे यार थोड़ा देर क्या अंकल अपने जस्ट पीछे बट थोड़ा थोड़ा अगर आगे घसकेंगे अंकल पैर की आवाज़ से पकड़ सकते हैं अपने को बट भाई अपने साथ वही सीन हो गया पैर की सीन हो गया मतलब कि जैसे मैं आगे बढूं अंकल ने पकड़ लिया बट यार अंकल ऐसे हाथ झपट्टा मार के पकड़ लिए यार अंकल आप बहुत बदमाश हो बट आप बहुत हेल्दी भी हो अंकल का माथा शायद उससे फूट गया है बट मैं रिट्राई कर रहा हूँ एक बार मुझे मौका फिर से मिला तो ये अपना मिशन का सबसे पहला रूम हो गया बेडरूम और कोड शायद से अपने को याद नहीं है एक बार चेक कर लूँ क्या नाइन फोर थ्री सेवन बिल्कुल याद है ब्रो मैं तो काफ़ी ज़्यादा कूल हूँ बट ये की पैड के बारे में हटके यार इसका कुछ भी सीन ही नहीं है नाइन फोर थ्री सेवन ठीक है खोल भाई सबसे पहले कॉक यार कॉक मैं लगाने के बदले मैं गिरा दिया भाई कॉक उठा सबसे पहले बड़ी मेहनत मैं इसे ढूंढ के लाया था कुछ थोड़ा देर तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे कॉक मैं मतलब लगा कहाँ पे कॉक बट कॉक नीचे गिर गया सबसे पहले ये जीन में से घसघस -घस के इसके अंदर मैं डाल दूँ दारू और ये कुछ गोलियाँ हैं जिसके अंदर मैं डाल दूँ ताकि गन जो है सो फटे और अंकल थोड़ा सा अंकल का वो जो फिगर है वो थोड़ा सा बर्बाद हो बट कॉक अभी सही सलामत लग जाए ना भाई नीचे लगाना है ऊपर नहीं भाई बट अब लग चुका है अब यहाँ पे पुट एवरी वन बैक टू द ओरिजिनल प्लेस यानी अपने को ओरिजिनल प्लेस पे जाना है और भैया भैया लेकिन अंकल अपने को देख लिए यार फिर से मतलब पूरा काम बट हो गया अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है बट अंकल को शक ना हो जाए क्योंकि एक बार अपने को और चांस चाहिए और ये चांस मिल चुका है अब अपने को यहाँ से निकलना चाहिए बट अभी अंकल यहाँ पे नहीं है बट अंकल जहाँ तहाँ हर जगह भाई ये पैर में फंसने वाला जो है ना अंकल लगा दिए ये गलत की हो अंकल आप जहाँ भी हो बट अंकल अपने पीछे हैं गलत सही तो मैं बाद में देख लूँ ना अंकल वो पेपर से तो गांड में घुसेड़ देंगे बट ज़्यादा समय वेस्ट नहीं अंकल की हैं मेरे पीछे और अंकल ठीक है बाबा मैं मैं बात कर रहा हूँ यार आप काम करो अपना आपकी क्या हालत होने वाली मुझे पता है आप करो चिल करो फिर ये देखो भाई आराम से भाई अंकल का ये रिकर का हाथ का एकदम स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है काफ़ी मज़ा आ रहा है जब अंकल की ये हालत होगी दुर्गति वाली बट अंकल आप काफ़ी कूल लग रहे हो पहले से ज़्यादा मुझे अभी आप अच्छे लग रहे हो बताओ इतना प्यार कौन करता है और इस ये दूसरा मिशन अपने को मिला है बट इसमें अंकल काफ़ी ज़्यादा रिक्सी काम कर रहे हैं यार वो इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक वायर को साफ कर रहे हैं और वो उसमें करेंट भी है बट यार अंकल आपने ग्लव्स भी नहीं पहना और सबसे पहले आप सीढ़ी को बाहर ले जा रहे हो बट बाहर ही शायद से अपने को यहाँ पे फाइंड द आउट फाइट क्लीम ऑफ द यानी कि स्लाइडर को अपने को ढूंढना है भाई बट बाहर ऐसा कोई सीन ही मुझे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अंकल को बाहर लाते हुए देखा था तो शायद से यहीं आसपास कहीं पे अंकल आ, गेट वेट के पास डाल दिए होंगे बट ऐसा यहाँ पे मैं कूद ही नहीं सकता हूँ भाई मैं सोच रहा कूद के जाऊं बट यहाँ पे नहीं है अंकल ऐसे थोड़ी ना खुले छोड़ देंगे अपने को इतना आसानी से मिल नहीं सकता बट अपना गार्डन काफ़ी कूल है काफ़ी क्लियर भी है अंकल यहाँ पे आसपास नहीं है अंकल उसी रूम में बैठ के फिर से शेर सबको समझा रहे हैं यार ये एक बार गलती हो गई हमसे एक बार मुझे माफ़ करो फिर अगली बार मैं तुम्हें माफ माफ़ी के लायक नहीं छोड़ूंगा बट शेर बोल रहा है ये ये अंकल नहीं बोल रहे बट भाई अपने को स्लाइडर मिलना थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है अपने को अंदर ही चलना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बंगलो है अंकल का मैं कहाँ ढूंढूंगा इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा बट एक घर वहाँ पे अपने को कूल सा लगा है एक बार मैं देख लूँ बट यार अंकल जहाँ हर जगह यार स्क्रू ड्राइवर पिचकस सीज़र वगैरह वगैरह रखते हैं अंकल मैकेनिकों के आप यार ये या पागल मैंटल्सन की क्या हो बताओ सब में सब क्या हो ये देखो यार यहाँ भी वही सब रख दिया हैम्बर ये क्या प्लास स्क्रू ड्राइवर अजीब यार हो आप, आपसे इतना बड़ा मेंटल लिस्ट मैंने आज तक कहीं नहीं देखा बट अपने को ये शायद से सीढ़ी का काम हो जाए सीढ़ी काफ़ी भारी है भाई बट सीढ़ी ठीक ठाक भी मुझे नहीं लग रहा कहीं टूट गया चढ़ने के चक्कर में फिर लेने की देनी ना हो जाए और देने की लेनी ना हो जाए क्योंकि अपने को अब यहाँ पर शॉर्टकट में एक छोटा सा गेट चाहिए बड़ा सा जिसो के मैं जाऊँ छोटा मेरा ही जाए उसे बट मैं बेडरूम में डायरेक्टली आ गया बेडरूम का कलर मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है एकदम से ऑर्गेनिक करेट कलर है बट अभी अपने को यहीं पे लगा देना चाहिए बट ये मैं एक में ठीक से भाई ये गिर रहा है नहीं ये फंस गया यार ये वायर पे फंस गया बट मैं अभी क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा और अंकल शायद से मुझे गाली दे रहे क्या या अंकल मुझे देख लिए यार ऐसा मुझे बट यार अंकल मुझे देख लिया मुझे पता चल गया और बट अंकल खुद फंस चुके हैं घरवा घबराने की बात नहीं है बट अंकल इतना देर तक कैसे फंसे रह सकते अपने को ऊपर नीचे करके थोड़ा सा अंकल को मज़ेदार मजा करना बट अंकल फिर से फंस चुके हैं यार ऐसा ना हो कि अंकल फर्स्ट फर्स्ट के चक्कर में हवा से हाथ ऐसे झुलाए और अपना गांड मार के ऐसे निकल जाए अंकल बट ठीक है अंकल अबे भाई ये जल्दी निकल भाई इसके ऊपर फट से चढ़ जाए फिर थोड़ा देर के बाद मैं नीचे उतरूंगा बट अंकल अभी नीचे ही खड़े हैं अभी साउंड भी काफ़ी क्लियर है अभी वो एम्बुलेंस का जो साउंड शुरू होता है बट अपने को हिंट्स की ज़रूरत है हिंट्स में ऐसा कुछ नहीं लग रहा बढ़िया जैसे ही नहीं नीचे उतरा अंकल ने मुझे मार दिया यार अंकल मौका तो दो यार कुछ करने का बट नहीं ये एक मौका मुझे चाहिए जिसमें मैं फाइनली हर काम को एक्सप्लोर कर दूं मैं जल्दी से कर दूं सबसे पहले स्लाइडर को ढूंढना है यानी कि दूसरा सीढ़ी ये सीढ़ी से काम नहीं होने वाला और ग्लव्स ढूंढना है अपने को बाथरूम बेडरूम में कौन रखता है भाई यहाँ से निकलिए मैं इससे बाहर आया था और यहाँ पर अंकल ने लगा दिया बट मैं सोच रहा हूँ एक भी हिंट्स को छोड़ू नहीं बारीकी से सारे गेट को सारे बेडरूम के जो भी है भाई लाइब्रेरी में तो ऐसा कोई सीक्रेट दरवाज़ा है नहीं बट एक बार मुझे याद था कि शायद से वो कहीं ना कहीं रखे थे बट इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला सबसे पहले मैं ढूंढ लूँगा बट अपने को यहीं पर मिल गया तो भाई ये ठीक है ये ठीक है भाई ये ठीक है बट यहाँ पर कूड़े के अलावा कुछ नहीं है भाई अपना काम का कोई चीज़ है ही नहीं ये दिक्कत वाली बात होगी ना भाई बट अपन को यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि टाइम वेस्ट करना मेरे लिए ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि अंकल ज़्यादा देर अगर मैं कहीं रुक जाऊँगा ना अंकल मुझे पकड़ लेंगे अंकल और मेरा पुराना रिश्ता है बट मैं आकाश में क्यों देख रहा हूँ मुझे तो किचन एरिया में मैं आ गया डाइनिंग एरिया में कौन रखेगा भाई सीढ़ी कॉमन सेंस यूज कर कोई अच्छे जगह चल ढूंढने बट मैं शॉर्टकट से यहाँ से निकल जाऊँ क्या हाँ ये ज़्यादा सही रहेगा ये शॉर्टकट तो मुझे बहुत ज़्यादा मदद करता है बट स्टोर रूम अपने को मिल गया बट ये स्टोर रूम लग नहीं रहा भाई यहाँ पे हर चीज़ तो इस तरह से रखा गया ये ग्लव्स अपना काम आ गया ना ग्लव्स की जरूरत तो ऐसे भी थी मेरे हाथों में ये हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ हैं छोड़ो नहीं यार हो गए तो मुझे क्या है उससे बट मैं पिलास ले लिया लियाँ अब ये जो इलेक्ट्रिक का जो भी काम है ना मैं क्लियरली कर सकता हूँ बट अपने को स्टोर रूम नहीं मिल रही ये सब क्या रखा है भाई वगैरह वगैरह बट मैं इसे खोल के देखूँ इसमें थोड़ी ना सीढ़ी रहेगा बट ये दरवाज़ा कुछ ज़्यादा ही कूल है बट मैं गैड्स में आ चुका हूँ और मैं ये दिमाग में कैसे भूल गया यार गैडज में भी तो सीढ़ी हो सकता है मैं गैडेज को नहीं ढूंढ रहा था बट अब कोई बात नहीं ढूंढ लिया तो उतना ज़्यादा बकचोदी नहीं करना सबसे पहले यहाँ पे लगा के अपने को ऊपर चढ़ना है बट मैं लगेगा कैसे ये नहीं समझ में आ रहा ये तो बार बार भाई नीचे गिर रहा है यार बार बार भाई क्या एक बार तो तू तो रखा ही यही क्या मतलब कुछ भी तू बोल देता है बट ठीक से भाई ये दो बार गिर गया यार इसका कुछ करना पड़ेगा अंकल इससे पहले मेरा कुछ कर देंगे यार कर दिए यार अंकल बट आप कम टॉर्चर करो यार ऐस गला दमक दबाओ यार मुझे डर लगता है यार आपसे आपकी गंदी शकल से यार आप बहुत इरिटेटिंग आदमी हो अंकल मैं कसम से बता रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा वरना मैं म, 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 मैं बोल रहा हूँ ये पिचकस और पिलास मैं आपकी गांड में ना डालूँ कैसे मैं डाल दूँ यार अंकल आप इतने स्वीट हो यार बट अपने को डिबेल हेंड्स की जरूरत है बट क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा कैंडल से बता मेन हॉल भाई मेन हॉल में ही मैं खड़ा हूँ अब मेन हॉल और कौन सा है एक और यही तो है यहीं पे तो काम करना है भाई अब इसको कहाँ लगाऊँ कहाँ फिट करूँ कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा अंकल बार बार मुझे पकड़ रहे हैं और मैं ज़्यादा देर ये देख रहा हूँ फिर से अंकल पकड़ लिए मैं ज़्यादा देर ऐसे बर्बाद कर नहीं सकता बड़े फिर से पकड़ लिया है अंकल अंकल का हाथ इतना बड़ा है ना ऐसे करके पकड़ लेते तो प्यार करने लगते झप्पी देने लगते हैं अपने को सॉरी यार सॉरी 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 यार सॉरी सॉरी